देखिए बेटा, आज हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट की, ठीक है, फॉर द ईयर एंडिंग ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। और आपको जो क्वेश्चन आने वाला है, मैंने पहले बताया था आपको कि सोल प्रोप्रेटरशिप का क्वेश्चन आएगा, फुल फ्लैश क्वेश्चन आएगा और डेफिनेटली आएगा ही आएगा, क्लियर ही नहीं है। तो पहले तो हम इस फॉर्मेट की बात कर लेते हैं, जो फॉर्मेट आपको ऑलरेडी पहले से थोड़ा सा नॉन था, हो सकता है कि कुछ नई बात आप इसके अंदर सीख लो। बात क्लियर हो गई? चलिए ध्यान देना, ध्यान से देखना। यहाँ पे ना दो अकाउंट बन रहे हैं, एक है आपका ट्रेडिंग अकाउंट और एक है आपका पीएनएल अकाउंट। ऑल तो होता ये पीएनएल अकाउंट है बेसिकली, पर ट्रेडिंग वाला हम क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि हमने अपने धंधे को क्या माना है कि मेरा धंधा कौन सा है, ट्रेडिंग वाला धंधा है। कौन सा धंधा है? ट्रेडिंग वाला धंधा है। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? नहीं हो गई? मतलब मैं बना बनाया माल खरीदता हूँ और बना बनाया माल बेचता हूँ, ना तो मैं मैन्युफैक्चरर हूँ और ना मैं सर्विस सेक्टर से बिलोंग करता हूँ, मैं ट्रेडिंग वाला बंदा हूँ, खरीदूंगा और बेचूंगा। तो जो ऊपर वाला माला रहेगा ना मेरे बेटे, ये देखो ये वाला जो माला रहेगा ये रहेगा आपका ट्रेडिंग का, और इसके नीचे वाला जो माला रहेगा वो रहेगा तुम्हारा पीएनएल का। तो मतलब एक ही अकाउंट के दो टुकड़े हो जाएंगे अपने आप ही, फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर पे रहेगा ट्रेडिंग और ग्राउंड फ्लोर पे रहेगा पीएनएल अकाउंट। बात क्लियर हो गई? नहीं हो गई? तो पहले मैं फॉर्मेट ड्रॉ करता हूँ, फिर हम आगे की बात करेंगे। क्लियर ही नहीं है? इधर देखना, सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा जाता है, ओपनिंग स्टॉक। सबको पता है, सबको पता है ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग इन्वेंट्री। उसके बाद क्या लिखते हो तुम यहाँ पर, परचेजेस। परचेजेस बेटा, परचेजेस में दोनों परचेज होती हैं, कैश वाली परचेज भी और क्रेडिट वाली परचेज भी, उधारी वाली भी और नगद वाली भी। परचेज में से तुम क्या माइनस करते हो, परचेज रिटर्न। इसे आप रिटर्न आउटवर्ड के नाम से भी जानते हो। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? उसके बाद यहाँ पे तुमसे लिखवाया जाता है क्या, डायरेक्ट खर्चे। क्या लिखवाया जाता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। बात क्लियर हो गई? नहीं हुई? अभी डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे, चिंता मत करो। उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, सेल्स। सेल दोनों तरीके की हो गई, कैश वाली सेल भी और क्रेडिट वाली सेल भी। और इसमें हम माइनस कर देते हैं क्या, सेल्स रिटर्न। क्या माइनस कर देते हैं? सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न मतलब रिटर्न इनवर्ड, मतलब जो माल वापस आ गया। कुल मिलाकर ना यहाँ पर हम यहाँ पर क्या निकालना चाहते हैं, नेट परचेस निकालना चाहते हैं कि नेट हमने कितना माल परचेस करा माल वापस करने के बाद। और यहाँ पे क्या निकालना चाहते हैं, हम नेट सेल की अमाउंट निकालना चाहते हैं कि नेट हमने कितना सेल करा माल वापस आने के बाद। नेट नेट कितनी सेल है, नेट कितनी परचेज है। ये बात क्लियर होती है? हाँ, है ना? तो मतलब ये जो आप अंदर लिख रहे हो ना परचेज और सेल, यहाँ पर जो आप लिख रहे हो ये परचेज और सेल लिख रहे हो, ये ग्रॉस परचेज ग्रॉस सेल है। ग्रॉस का मतलब होता है जिसमें से रिटर्न माइनस नहीं हुआ। उसके बाद आप यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्या लिखोगे? बाय क्लोजिंग स्टॉक, मतलब साल के आखिर में कितना माल बच रहा है। क्लोजिंग स्टॉक को लेके, इन्वेंट्री वैल्यूएशन को लेके मैंने पूरी चर्चा आपसे कर ली है। बोलिए, हाँ ये ना, पूरी परफेक्ट चर्चा आपसे मैं कर चुका हूँ। बात क्लियर हो गई? हाँ ये ना। इतना करने के बाद क्या फाइंड होता है मेरे बेटा जी, इधर की तरफ फाइंड होता है तुम्हारा क्या, या तो ग्रॉस प्रॉफिट, या तो ग्रॉस प्रॉफिट, या फाइंड होता है ग्रॉस लॉस। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? या तो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। क्लियर है मेरी बात? देखो समझना जरा, देखो ये तुम्हें दिख रहा होगा, अगर मैं यहाँ पे ट्रिगर बना दूं, तो ये है एक तरीके से तमंचा। उल्टा देखो, तमंचा, ठीक है ना, ये क्या बन गया मेरे बेटा, तमंचा। और हम क्या करेंगे, तमंचे पे डिस्को। बात करोगे? ये गाना जो बनाया था मैंने ही बनाया था, आजा मैं तुझे करा दू तमंचे पे डिस्को, मैंने बनाया था। बात क्लियर हो गई? तो ये क्या है बेटा, तमंचा। अब क्या करेंगे, तमंचे पे डिस्को। इस तमंचे का क्या नाम है, वो नाम है COGS। ऐसा नाम मैंने क्यों रखा, आओ जरा पढ़ते हैं।
COGS, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट, शांत हो जाओ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बात के लोगे नहीं हो गई। COGS इसकी फुल फॉर्म, मतलब इसका फॉर्म फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट खर्चे माइनस क्लोजिंग स्टॉक, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये इसका फॉर्मूला है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट खर्चे माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इसको कुछ इस तरीके से समझते हैं, ठीक है ना। मैंने मैगी एग्जांपल दिया था, मैगी वाला एग्जांपल कभी आपको दिया है? नहीं। चलो ठीक है, एक काम लेते हैं, हम अपनी कहानी में जो हीरोइन का पात्र निभा रही है हमारी कहानी में, वो है प्रियांशी राजपूत, क्लियर ही नहीं है, ठीक है ना। और मूवी का नेम है प्रियांशी मम्मी और मैगी, क्लियर ही नहीं है, प्रियांशी मम्मी और मैगी, क्लियर ही नहीं है। सपोज मान के चलिए संडे का दिन था, क्लियर ही नहीं है। उस दिन 1% बैच ओवर था, बैच ऑफ था, कोई भी लेक्चर नहीं था, कोई भी टेस्ट नहीं था। प्रियांशी ने सैटरडे नाइट की सोच लिया था कि पूरी रात मुझे क्या देखनी है, वेब सीरीज देखनी है, उसके बाद अगले दिन तक बिल्कुल लंबा होकर सोना है, क्लियर ही नहीं है, हाँ है ना, बहुत देर तक, क्लियर ही नहीं है। ये सोती रही सोती रही संडे दिन, लेकिन ये तो सोती रही, मम्मी को तो काम था, मम्मी चली गई मार्केट, मम्मी को जाना था मार्केट, मम्मी जल्दबाजी में थी, इसे मम्मी ने क्या करा, कुछ खाना वाना बना के नहीं गई, हाँ है ना, इसके तकिए के नीचे 140 रुपये रख के चली गई, इसे पता नहीं था क्योंकि ये तो सो रही थी, बात के लिए रोगी नहीं हो गई। अब हुआ क्या, जैसे ही इसने देखा, ये उठी, इन्हें देखा, इसे उठते के साथ ही भूख लगी, है ना, मतलब ना नहाना ना धोना, सीधा खाना, क्लियर ही नहीं है, मतलब नहाओ मत, धो तो लो उसके बाद खा लो, क्लियर ही नहीं है, ना ना नहाना ना धोना, सीधा खाना। ये गई किचन में, किचन में बर्तन भांडे देखे, वो खाली पड़े हुए थे, मंजे हुए रखे हुए थे सारे बर्तन, और खाली। इसे बहुत तेज गुस्सा आया कि मम्मी कितनी बदतमीज है, आए ना, ऐसा ही मन ही मन सोचा कि खाना बना के जा सकती थी मम्मी, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था बिल्कुल भी, इतना भी क्या, मतलब अपने बच्चों को भूखा छोड़ के चली गई, ऐसा ऐसा सोचने लगी है। इसे गुस्से में आया कि अपने कमरे में गई और इन्हें तकिया जोर से फेंका, जैसे जैसे तकिया फेंका इसे क्या दिखा, 140 रुपये। ये तुरंत खुश हो गई और इन्हें मनी मन बोला थैंक यू मम्मी, क्लियर ही नहीं है, इसे मनी मन क्या बोला, थैंक यू मम्मी 140 रुपये के लिए। अब मैं क्या करूँ क्या करूँ 140 रुपये का, 2 मिनट में आइडिया, क्या बनती है, मैगी। ये गई मार्केट में, लेकिन मार्केट में जाने से पहले इसे किचन भी टटोला, किचन में कितने मैगी के पैकेट थे, इसने देखा किचन के अंदर पहले से 2 मैगी के पैकेट पड़े हुए हैं, इन्हें सोचा 2 मैगी के पैकेट में मेरा क्या काम होगा, क्लियर ही नहीं है, ठीक है, 2 मैगी के पैकेट में मेरा क्या काम होगा, तो मार्केट गई 140 रुपए के 10 पैकेट लेकर आ गई, क्योंकि आज की डेट में मार्केट में भाव चल रहा है 14 रुपए का एक पैकेट चल रहा है, क्लियर ही नहीं है। तो इसने क्या करा, मार्केट में गई और 14 रुपए के 10 पैकेट, मतलब 14 रुपए के हिसाब से 140 रुपए के 10 पैकेट लेकर आ गई। अब बताओ ये, अब इसके पास कितने मैगी के पैकेट हो गए, 2 पैकेट पहले से थे, 10 पैकेट और हो गए, कुल मिलाकर इसके पास पूरा खाने का मौका है 12 पैकेट, कितने, 12 पैकेट पूरे खाने के मौके हैं इसके पास। लेकिन फिर भी, वैसे तो ऑलमोस्ट दिमाग घुटनों में है, लेकिन फिर भी इसमें पता नहीं दिमाग कहाँ से आया, इन्हें सोचा क्या, अरे यार एक काम करती हूँ, मैं सारे नहीं बनाती, सारे बना लियो, मैं नहीं खा पाई तो मम्मी मेरे में चपेट लगाएंगी, मम्मी मेरे में थप्पड़ मारेंगी, कूट देंगी मुझे। इसने मैगी के पैकेट बनाए, बुने और खा लिए, बनाने बुनने और खाने के बाद भी इसके पास 4 पैकेट बच रहे हैं, पता कितने पैकेट खा गई, शर्म नहीं आ रही ना बिल्कुल भी, ऐसा ही है, 8 पैकेट मायने रखते हैं, ठीक है, इन 8 पैकेट खा लिए, बात करोगे नहीं होगी। यही सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। मान लो अगर प्रियांशी की मैगी की दुकान होती तो पता, दुकान में पहले से मैगी के पैकेट कितने पैकेट थे, मैगी के 10 पैकेट थे, और कितने खरीदे, 10, 2 पैकेट थे 10 खरीदे, हो गए 12, कितने बच रहे हैं, तो गायब कितने हुए, 8, 8 पैकेट कहाँ चले गए, सोल्ड हो गए, सेल हो गए, बोलो हाँ ये ना, ये फॉर्मूला क्लियर हुआ, मतलब ओपनिंग पहले से कितना माल है प्लस परचेस कितना माल आया माइनस क्लोजिंग कितना माल बच रहा है, क्या मेरी बात क्लियर हो गई। अब मैं आपको तो पता ही है कि अकाउंट जो है वो यूनिट क्वांटिटी रिकॉर्ड नहीं करता, अकाउंट किसको रिकॉर्ड करता है, अमाउंट, उस क्वांटिटी की अमाउंट को रिकॉर्ड करता है। मान लेते हैं कि पहले से हमारी दुकान में कितने रुपए का माल था, 1 लाख रुपए का माल था, बात क्लियर हो गई,
हमने पूरे साल भर में कितने रुपए का माल खरीदा, 10 लाख रुपए का माल खरीदा, बात समझ में आ गई। हमने माल खरीदते वक्त कुछ खर्चे करे, डायरेक्ट खर्चे जिन्हें हम बोलते हैं, वो मैंने करे 2 लाख रुपए के खर्चे, मेरी बात क्लियर हो गई। यानी कि कुल मिलाकर जो मुझे माल पड़ रहा है ना, पता कितने का पड़ रहा है बच्चे, 13 लाख रुपए का पड़ रहा है जो खरीदा मैंने माल, बोलो हाँ ये ना। अरे बात क्लियर हो गई। माइनस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, क्लियर है। मान के चलो साल के एंड में मेरे पास अभी भी 5 लाख रुपए का माल बच रहा है, कितना बच रहा है, 5 लाख रुपए का माल बच रहा है। तो बताओ 1 लाख का माल था, 13 लाख का आया, 13 और 1 14 लाख रुपए का माल हो गया, 14 में से कितने बच रहे हैं, 5, तो कितने रुपए का माल गायब हो गया, 9 लाख रुपए का माल गायब हो गया। अब इसे 9 लाख को रीड करना सीखो। 9 लाख को कैसे रीड करोगे, कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि बताएं, और 9 लाख का माल कहाँ चला गया, 9 लाख का माल तुमने सोल्ड कर दिया, सोल्ड कर दिया, सोल्ड बेच दिया। लेकिन कॉस्ट है ये, कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब है जो माल तुम्हें 9 लाख का पड़ा था वो बेच दिया, जो तुम्हें 9 लाख का पड़ा था, 9 लाख रुपए योर कॉस्ट, वो तुम्हारी लागत है, तुमने माल को खरीदने के लिए 9 लाख रुपए खर्च करे थे, जो माल तुमने बेच दिया, बोलो आए ना। अब कॉमन सेंस लगाओ, क्या टेक्निकली तुम 9 लाख का माल 9 लाख में बेचोगे, तुमको क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, लॉस चाहिए, तो ज्यादा का बेचोगे, सस्ता बेचोगे, इसे बोलते हैं नेट सेल, जो कि तुम्हारी सेल, दैट इज नेट सेल, कह लो सेल कह लो। सपोज तुमने 15 लाख का बेचा, कितने का बेचा, 15 लाख का, तो बताओ प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, प्रॉफिट कितने का, इसे वैसे ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं, क्या कहते हैं मेरे बेटा, बोलो, ग्रॉस प्रॉफिट। आया ये नहीं आया, क्लियर ही नहीं है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या है, जो माल तुम्हें पड़ा था 9 लाख का, वो तुमने बेच डाला, वो तुमने बेच दिया, आया ही नहीं आया, बोलिए आया ना, क्लियर ही नहीं है। अब देखो ये फॉर्मूला याद है सबको, ये फॉर्मूला याद रहेगा, मतलब तीन चीजें ऐड हो रही है, एक चीज लेस हो रही है, ओपनिंग प्लस नेट परचेस प्लस डायरेक्ट माइनस क्लोजिंग, यही यही चीज तुम्हें ऊपर देखेगी, यही फॉर्मूला देखो, पढ़ो तमंचे या साथ साथ पढ़ो। देखो डेबिट वाले ऐड होंगे, ओपनिंग प्लस नेट परचेस प्लस डायरेक्ट खर्चे अपोजिट माइनस क्लोजिंग स्टॉक, मतलब ये ऐड हो रहे हैं, जो सेम साइड है, जो सेम साइड है ये ऐड, और जो अपोजिट है वो लेस, आया या नहीं आया, तो भाई बन गया नहीं बन गया। तो तमंचे का नाम क्या रखा बेटा मैंने, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बोलो हाँ ये ना, क्या मेरी बात क्लियर हो गई, सही है ना बेटा ये। मतलब एक तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पर तुम्हारा इफेक्ट आएगा 9 लाख रुपए का, और यहाँ तुम सेल कितनी दिखाओगे, 15 लाख रुपए की, तो ऑटोमेटिक क्या निकलेगा, 15 में से 9 गए, 6 लाख का ग्रॉस प्रॉफिट, और सस्ता बिकता तो क्या निकलता, ग्रॉस लॉस, क्या मेरी बात क्लियर हुई, क्या आपको कोई दिक्कत हुई समझने में, ये वही चीज है जो तुमने पढ़ी है, बस मैंने उसे कनेक्ट करके दिखाया है और कुछ नहीं है। जैसे आप नॉर्मली सिक्वेंसिंग बिठा के थोड़ा बहुत याद करते थे, वो याद करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूले के अंदर ही सारी बातें छुपी पड़ी हैं आपकी, बोलो आएंगे ना, क्लियर ही नहीं है। दूसरी बात पता क्या है, ये फॉर्मूला ऐसे क्यों बनाया गया, ऐसे ही क्यों बनाया गया फॉर्मूला, कई सारे लॉजिक्स हैं, कई सारी बातें बता चुका हूँ मैं आपको, कि उतना माल बेचा इतना माल बचा, हाँ ये ना, ये क्या है बोलो, ये क्या है बोलो, और ये क्या है, जो बेचा है वो बचा नहीं, जो बचा है वो बेचा नहीं, हाँ है ना। और नहीं तो पता है इसके ऊपर सबसे बड़ा लॉजिक क्या है, सबसे बड़ा लॉजिक क्या है, सबसे बड़ा लॉजिक है, मैचिंग कॉन्सेप्ट, सबसे बड़ा लॉजिक यहाँ पर मैचिंग कॉन्सेप्ट, ये मैचिंग कॉन्सेप्ट यहाँ पर ही फॉलो किया जाता है ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट के टाइम पर, हाँ है ना। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है, अरे बाबू, अरे बाबू, जितनी तुम सेल दिखा रहे हो ना, जितनी तुम इनकम दिखा रहे हो, उससे कनेक्टेड खर्चा दिखाना, उतना ही खर्चा दिखाना, मैं एग्जाम्पल की बात मान के चलता, दीदी कितने मैगी के पैकेट बेच दिए थे, 8, हाँ है ना, तो 8 मैगी की सेल दिखा रहे हो ना, तो 8 मैगी की क्या दिखाना, कॉस्ट, आया नहीं आया, बिके तो 8 ही पैकेट है, तो वो 8 पैकेट तुम्हें कितने के पड़े थे, मान लो 9 लाख रुपए के पड़े थे, और वही 8 पैकेट तुमने बेचे कितने के,
15 लाख के, तो 8 और 8 पैकेट सेल, 8 पैकेट का खर्चा, बोलो आए ना। दिस इज कॉल्ड मैचिंग कॉन्सेप्ट। क्या है मेरे बच्चे? मैचिंग कॉन्सेप्ट मतलब ऑब्वियस ही बात है, दिमाग लगा ना, 15 लाख की सेल पकड़ने के लिए, 15 लाख की इनकम पकड़ने के लिए तुम्हें कितना खर्चा करना पड़ेगा? तुमने 9 लाख का खर्चा किया, बोलो आए ना। मैचिंग मैचिंग, बोलो आए ना, आए ना। और जो माल तुम्हारा बच गया ना बच्चे, ये जो बच गया कि तुमने बेचा तो है ही नहीं, तो इसलिए तुमने इसे यहां से बाहर कर दिया, क्योंकि तुम्हारी कॉस्ट का पार्ट नहीं है, इसलिए क्लोजिंग को माइनस कर देते हैं, क्योंकि जो माल बिका नहीं उसे मैं अपनी लागत नहीं मानने वाला अभी तक। हाँ ये ना, जिस साल बिकेगा उस साल लागत मानूंगा, आया? बोलो हाँ ये ना। सबसे बड़ा झोल है मैचिंग का, यहाँ पर सबसे बड़ा मेन लॉजिक है मैचिंग का, जिस वजह से तमंचा बन जाता है। हाँ ये ना, ये सारी बातें क्लियर होती है, एड वाली तो क्लियर होती है, क्लोजिंग को माइनस क्यों कर रहे हैं? माइनस करने की वजह ये लॉजिक है, जिससे हमारी सीयूजीएस फाइंड हो जाए। सीयूजीएस फाइंड इसलिए करनी है जिससे हम मैचिंग को फॉलो कर लें। क्या मेरी बात क्लियर हुई? बोलिए हाँ ये ना। ये बातें कह रही हूँ मैं, पता होनी हमें बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे बेटा जी। हालांकि ये बातें मैं बच्चों को 11वीं में भी बताता हूँ, लेकिन उनको जितना आता है उतना भेजे में रखते हो तो भूल जाते हैं, आपको तो रखना पड़ेगा भेजे में। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? हाँ ये ना, क्लियर है। मैंने बात और बताई थी कि मैचिंग को फॉलो करने के लिए ना दो कॉन्सेप्ट फॉलो करने पड़ते हैं। कितने कॉन्सेप्ट जोड़ दो बोलो? दो। अगर तुम मैचिंग को फॉलो करना चाहते हो तो दो कॉन्सेप्ट फॉलो करो। कितने? दो, ओनली टू। बोलो, एक है तुम्हारा प्रॉफिट अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट इसको फॉलो करो, प्लस एक किसको फॉलो करो? एक्रुअल कॉन्सेप्ट को। बस ये दो फॉलो कर लो, मैजिक अपना फॉलो होगा। अकाउंटिंग पीरियड क्या कहता है? अकाउंटिंग पीरियड कहता है कि देख भैया, जिस ईयर का तू ट्रेडिंग बिल बना रहा है, ट्रेडिंग बिल नॉर्मली पूरे साल का एक बनता है, यहाँ पे लिखा फॉर द ईयर एंडेड। ये फॉर द ईयर एंडेड क्या बताता है? ये किसी पीरियड को डिफाइन कर रहा है, किसी टाइम पीरियड को। ऑब्वियस बात है, 12 महीने, नॉर्मली 12 महीने कवर करता है, फॉर द ईयर एंडेड मतलब पूरे साल भर का। बोलो आइए ना, है ना। सपोज मान के चलो 31 मार्च 2022 लिखा हुआ है यहाँ पर, तो 31 मार्च 22 का मतलब क्या हुआ? जोर दे बोलो, 31 मार्च 22 का मतलब हुआ 1/4/21 से 31 मार्च 22। कितने महीने हो गए बच्चा पार्टी? बोलो 12 महीने हो गए, यानी कि ये 12 महीने का एक अकाउंट बन रहा है। बोलिए आए ना, बोलिए आए ना, क्लियर है ही नहीं है? ये 12 महीने का एक अकाउंट बन रहा है मेरे बच्चे। बात क्लियर हो गई? आए ना। तो अकाउंटिंग पीरियड कहता है कि जो भी तुम इनकम लिखोगे, जो भी तुम एक्सपेंसेस लिखोगे, वो इन 12 महीनों के ही होने चाहिए, है ना। इन्हीं 12 महीनों की इनकम, इन्हीं 12 महीनों के खर्चे, अगले और पिछले साल से को लेना देना नहीं है। बोलो आए ना, क्लियर? इन्हीं 12 में। और जो तुम यहाँ पे जो दिखाओगे ना इनकम एक्सपेंस अकाउंटिंग पीरियड के अकॉर्डिंग 12 महीने की दिखाओगे, वो किस बेस पे दिखाओगे? एक्रुअल बेस पे। किस बेस पे? एक्रुअल बेस पे दिखाओगे। बोलो आए ना, किस बेस पे दिखाओगे? एक्रुअल बेस पे। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? बोलो आए ना। एक्रुअल बेस का मतलब ये है कि देखो जी, पैसा आया या नहीं आया, इनकम इस 12 महीनों की दिखा दो। बोलो आए ना, पैसा गया या नहीं गया, आउटस्टैंडिंग है, खर्चा ही नहीं 12 महीनों का है, दिखाओ। ये तो ऑब्वियस ही बात है, आपने 11 महीने का रेंट पे करा। बोलो आए ना, आपने 11 महीने का रेंट पे करा, और रेंट तो 12 महीने का पे करना चाहिए था, यानी कि 1 महीने का क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग, पेंडिंग हो गया है। तो इसी साल का खर्चा दिखा, पूरे 12 महीने का दिखा, जो पे कर दी 11 महीने का वो भी दिखा, और 1 महीने का और दिखा, पूरे 12 महीने का दिखा। पे करा नहीं करा, पैसा कभी भी जाए वो मैटर नहीं करता। हाँ ये ना, खर्चा पूरा 12 महीने का चढ़ेगा, इनकम पूरी 12 महीने की चढ़ेगी, चाहे पैसा आया हो या ना आया हो, पैसा गया हो या ना गया हो। दिस इज कॉल्ड एक्रुअल कॉन्सेप्ट। ये एक्रुअल और ये प्रायोरिटी जब मिलते हैं तो ये मैचिंग को ऑटोमेटिक फॉलो करवाते हैं। बात क्लियर होगी नहीं होगी? और जब मैचिंग फॉलो होता है तो हमें, हम जिस ईयर का ट्रेडिंग प्लान बना रहे हैं उस ईयर की हमें रियल परफॉर्मेंस मेजरमेंट के बारे में पता लगता है, एक सही प्रॉफिट और सही लॉस के बारे में पता लगता है। क्या मेरी बात क्लियर होगी नहीं होगी? बोलिए हाँ या ना, क्लियर ही नहीं है? हाँ या ना। चलिए, तो यानी कि देखो, वैसे तो मैं फॉर्मूले लिख रहा हूँ, हालांकि मुझे लिखने की जरूरत है नहीं। बताइए, क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा? नालायक हो तुम, नेट सेल माइनस, क्योंकि प्रॉफिट कब होगा? जब सेल ज्यादा होगी। अच्छा, अगर ग्रॉस लॉस हुआ तो उल्टा,
यूजेस माइनस, तब कॉस्ट ज्यादा है, खर्चे ज्यादा है, आया बोलिए आया ना, क्या मेरी बात क्लियर हो गई, बोलिए ना। चलिए एक फॉर्मूला और याद कर लो, एडजस्टेड परचेज का फॉर्मूला क्या बनेगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज। बताओ ऊपर वाले फॉर्मूले में नीचे वाले फॉर्मूले में अंतर क्या है, इस वाले में उस वाले में अंतर क्या है, सीयूजेएस में और एडजस्टेड परचेज में किसका इसका अंतर है ना, खाली बोलो आए ना। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं COGS इज इक्वल टू एडजस्टेड परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, बोलिए आइए ना, कह सकते हैं, तब भी सीयूजेएस बन जाएगा, बोलो आइए ना, है एडजस्टेड परचेज। एडजस्टेड परचेज का मतलब है वो परचेज जो तुमने सोल्ड कर दिया है, मतलब तुम सिर्फ इनमें डायरेक्ट खर्चे नहीं लेते, इन्वेंट्री इन्वेंट्री लेते हैं कि ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज इन्वेंट्री माइनस बची इन्वेंट्री, तो पता लग जाता है कितनी इन्वेंट्री कितनी परचेज तुम्हारी सोल्ड हो गई है। इसमें डायरेक्ट खर्चे ऐड नहीं होते, जब इनमें डायरेक्ट खर्चे ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है तुम्हारा COGS। तो तुम यहाँ पर ना, यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि तुम क्या दिखाओ, मत दिखाओ कुछ भी, बस यहाँ पे डेबिट में क्या दिखा दो, एक तो एडजस्टेड परचेज दिखा दो और साथ में क्या दिखा दो डायरेक्ट खर्चा, तो भी तमंचा पूरा हो जाएगा, बोलो आए ना, क्लियर ही नहीं है तो भी तमंचा पूरा पूरा ना बना के दो चीज दिखा दो, डिपेंड करता है, बोलो आइए ना, क्लियर ही नहीं है, और डिपेंड भी करता है कि तुम्हें इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, तुम्हें पता होना चाहिए। क्या मेरी बात क्लियर हो गई, बस एक सवाल हो रह गया यहाँ पर, क्या ये इलू इलू क्या है, ये इलू इलू ठीक है ना, यानी कि ये डायरेक्ट खर्चे क्या है, ये डायरेक्ट खर्चे ये डायरेक्ट खर्चे के बारे में बताओ भैया, ये डायरेक्ट खर्चे क्या होते हैं, डायरेक्ट खर्चे के बारे में, ये डायरेक्ट एक्सपेंस होते क्या है, इनके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। हाँ ये ना, तो देखो डायरेक्ट खर्चे के बारे में अगर समझना है तो ये समझो, एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस रिलेटेड विद फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग परचेजेस, ये तीन बातें याद कर लो बस, फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग परचेजेस, मतलब कोई भी खर्चा जो सामान को परचेज करने के लिए जरूरी है, जैसे कैरिज इनवर्ट माल को लाने के लिए, फैक्ट्री वाले खर्चे मैन्युफैक्चरिंग वाले खर्चे, उन्हें डायरेक्ट बोलोगे। मोस्ट कॉमन तुम्हें क्या मिलते थे, एग्जाम्पल देखो, तुमको मिलते थे पहले वेजेस, अगर लिखा है क्या कैरिज, या क्या लिखा हुआ है फ्रेट, तो आप इसे डायरेक्टली मानते थे माल को लाने के लिए, या कैरिज इनवर्ट, कैरिज आउटवर्ड नहीं आएगा यहाँ, क्लियर है, या फ्रेट इनवर्ट, फ्रेट आउटवर्ड नहीं आएगा, इनवर्ट का मतलब है माल को लाने वाला खर्चा, क्या मेरी बात क्लियर हो गई, बोलो आए ना। कई बार तुम्हें ऐसे भी मिलता था फैक्ट्री एक्सपेंस, कई बार तुम्हें मिलता था मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, हाँ वेजेस, देखो वेजेस पहले आया है ना, तो वेजेस डायरेक्ट मानी जाती है, फैक्ट्री के अंदर पे करते हैं, हम ऐसा मानते हैं, फैक्ट्री में माल को लोड अनलोड करवाने में कुछ भी कह लो, क्लियर है, पावर पावर फ्यूल लाइटिंग हीटिंग कूलिंग रेंट, फैक्ट्री का आ सकता है, अगर फैक्ट्री का है तो ओनली रेंट लिखा है ना तो आप उसे नहीं मानोगे, आप फैक्ट्री वाले रेंट बोल सकते हो, बोलिए मैंने इसे वर्ड पहले फैक्ट्री लिख दिया, समझ गए,
अब वो क्या, हाँ आ सकता है, आ सकता है, कोई बड़ी हो सकता है, नाम अलग अलग नाम याद करने में कोई बुराई नहीं है। फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, परचेजेस, तीन शब्द याद कर लो, गलती नहीं होनी, क्लियर नहीं है? कनेक्शन फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग और परचेजेस से आएगा तो डायरेक्ट खर्चे कहलाएंगे, क्लियर ही नहीं है? आई पास में नहीं आई, चलिए। तो ये तो हमारा मेन पार्ट, हमारे ट्रेडिंग वाला ही होता है, मेन पार्ट हमारा ट्रेडिंग वाला ही होता है, बात क्लियर हो गई? अब क्या करते हैं आप बताइए, आप पीएनएल शुरू करेंगे अब, तो जो भी आपने ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस लॉस निकाला है, उसे नीचे कहाँ ले जाओ, पीएनएल में ले जाओ। ये पीएनएल में आ रहे हो आप, प्रवेश हो गया, स्वागत नहीं करोगे हमारा, ऐसा ग्रॉस प्रॉफिट कह रहा है, पीएनएल में आके। तो ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, और लॉस है तो डेबिट में आ जाएगा, क्योंकि लॉस के नीचे डेबिट गई होता है, और प्रॉफिट के नीचे क्रेडिट हुआ था तो क्रेडिट में चला गया। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? बोलो आइए ना। एक्चुअली पता क्या है, यहाँ पे जो शब्द आ रहा है ना ग्रॉस, इस ग्रॉस का मीनिंग पता क्या होता है, इस ग्रॉस का मीनिंग होता है इनकम्प्लीट, इन कंप्लीट। इस ग्रॉस का मीनिंग ही क्या होता है मेरे बच्चे, इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट मतलब अधूरा प्रॉफिट या अधूरा लॉस। ट्रेडिंग अकाउंट पता क्या कहता है, किसी बाय एंड सेल करने से, खरीद और बेचने से मैंने क्या कमाया, खरीदने और बेचने से मैंने क्या कमाया, दिस इज कॉल्ड ओनली ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। लेकिन अभी फर्दर इनकम, फर्दर एक्सपेंस एड या लेस होने बाकी हैं। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? यहां पर आप लिखोगे क्या, अपनी फर्दर इनकम, इनकम होती है क्रेडिट, जिसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट इनकम। क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट रेवेन्यू, जैसे इंटर रिसीव, कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, है ना, और अदर जो भी हो। आपको क्या, अगर इनडायरेक्ट इनकम है तो डायरेक्ट इनकम भी तो होगी, बिल्कुल होगी। ये जो तुमने लिखी है ना सेल, ये जो सेल लिखी है, इसे ही बोलते हैं क्या हम, डायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम का अंतर क्या है, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा के कमा रहा हूँ, मेरी मेन सोर्स ऑफ इनकम यही है, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट इनकम। लेकिन अगर मैं शेयर मार्केट से कमा रहा हूँ, क्रिप्टो मार्केट से कमा रहा हूँ, कहीं से रेंट कमा रहा हूँ, कहीं से ब्याज कमा रहा हूँ, उधार दे रखा है, हाँ ये ना, ये मेरी सारी कौन सी इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम है। बोलो हाँ ये ना, क्लियर ही नहीं है? जो जिस पे हम डिपेंड करते हैं वो हमारी डायरेक्ट इनकम है, और जो फर्दर ऐसी हो रही है वो हमारी इनडायरेक्ट इनकम, जिस हम डिपेंड नहीं करते। अगर कंपनी को सब्सिडी मिलती है तो वो क्या होगा, इनडायरेक्ट कहलाएगी। देखो दो बातें होती हैं, एक होती है सब्सिडी रेवेन्यू नेचर की, किसी रेवेन्यू खर्चे के लिए दी जा रही है, एक होती है सब्सिडी कैपिटल नेचर की। अगर तुमने कोई मशीन लगाई है, मशीन के ऊपर सब्सिडी मिल रही है, एग्जाम्पल है, वैसे सरकार ने वैसे खत्म कर रखा है मामला, जैसे अगर तुम अपने घर पे एक टाइम पे सोलर प्लांट लगाओगे छत पर, तो सरकार 35 से 40% की सब्सिडी देगी। बोलो आइए ना। तो जो सोलर प्लांट है वो 25 साल के लिए लगता है, उसकी लाइफ 25 साल है एक्चुअल में, तो क्या हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, वो एसेट हो गई, तो उसके ऊपर जो सब्सिडी होगी वो कैपिटल नेचर की कहलाएगी। समझ गए क्या कहलाएगी, कैपिटल नेचर की। और जो कैपिटल नेचर की सब्सिडी होती है वो जनरली पीएनएल में नहीं जाती, ठीक है ना, वो बैलेंस शीट में जाती है, या फिर एसेट की वैल्यू में से लेस हो जाती है। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? बोलो हाँ ये ना। आई पास में नहीं आई। लेकिन जो रेवेन्यू नेचर की सब्सिडी होती है वो ऑब्वियस सी बात है रेवेन्यू खर्चे के लिए दी जा रही है, तो वो तुम्हारी इनकम कहलाएगी। आया नहीं आया, ठीक है ना, आया? चलो आगे आगे चलते हैं। अब इधर देखो,
इनडायरेक्ट खर्चे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में कौन से खर्चे आ सकते हैं? पहला ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, मतलब ऑफिस के मैनेजमेंट के खर्चे। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? बोले फटाफट से आइए ना। ठीक है, ये जितने भी है, ऑफिस की रेंट, बिजली, बत्ती, पंखा, पानी, सब सबके सब ऑफिस वाले खर्चे, सब इनडायरेक्ट है। क्लियर है मेरी बात? दूसरा खर्चा कौन सा हो सकता है इसमें? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, जैसे कि माल को भेजने का किराया, कैरिज आउटवर्ड, फ्रेट आउटवर्ड, डिलीवरी, डिलीवरी वैन या डिलीवरी व्हीकल का पेट्रोल, मेंटेनेंस, बंदी की सैलरी, सब सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। एडवर्टीजमेंट, समझ रहे हो? गुड्स गिवन एज चैरिटी, गुड्स गिवन एज सैम्पलिंग, ये सब एडवर्टाइजमेंट है। सब क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट खर्चा कहलाएगा। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? बोले आएंगे ना। सामान को खरीदने वाला खर्चा डायरेक्ट है, लेकिन सामान को बेचने वाला खर्चा जो है, सेल वाला जो खर्चा है, वो सेलिंग है, वो नीचे आएगा। क्लियर है? बोलिए फटाफट से आइए ना। बस इतना कर दो और क्या निकल जाएगा बेटा तुम्हारा यहाँ पर? या तो आएगा तुम्हारे यहाँ पर नेट प्रॉफिट, या आ जाएगा तुम्हारे यहाँ पे क्या, नेट लॉस। क्लियर ही नहीं है? ठीक है, ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट लॉस किसका होगा? मालिक का, तो मालिक को दे देंगे। प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल में ऐड, लॉस हुआ तो कैपिटल से लेस। आया या नहीं आया? ये है मेन फॉर्मेट, टोटल टोटल ट्रेडिंग एंड पीएनएल। क्लियर है? क्लियर है? ठीक, बढ़िया।